रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जीतने का जज्बा रखिए मेरे दोस्तों, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं मैं जीतूंगा मीन्स जीतूंगा का पांचवा पार्ट, जिस सीरीज को अब तक आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है। इस वीडियो को देखेगा, उम्मीद करता हूं उतना ही एंजॉय करेंगे, उतना ही सीखेंगे जितना पिछले चार पार्ट्स में सीखे हैं। यस, मैं जीतूंगा इसलिए क्योंकि मैंने तैयारी जीत की है, मैंने हारने के बारे में सोचा भी नहीं है। बार बार मिल रही नाकामयाबियों को देखते हुए मन कई बार कहता है हार मान लूं, थक जाऊं, कोशिश करना बंद कर दूं, लेकिन एक बात मुझे पता है, यदि मैं कोशिश करना बंद कर दूंगा, हार मान लूंगा, तो दुनिया मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देगी। हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा, कोशिश करने से सब कुछ मिलेगा, इसलिए मैं तैयार हूं जीतने के लिए। मुझे पता है कि मेरी कोशिशें ही मेरे संघर्षों का, मेरे बलिदानों का, मेरे प्रयासों का मुझे परिणाम दिला सकती हैं। हार मानना आसान है, जीत पाना कठिन है, और मुझे कठिन काम करने ही तो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं जीतूंगा मीन्स जीतूंगा। अपने जीवन में कभी हार मत मानिए, रुक जाना नहीं, तुम रास्ते के कांटों को कभी देख के ये विश्वास रखिए, कांटे तो आएंगे ही। मैं नाकामयाबियों से लड़ूंगा, बार बार प्रयास करूंगा, करता रहूंगा तब तक लड़ूंगा जब तक जीतूंगा नहीं। फेलियर से हारने के बावजूद भी हार मत मानिए, उठिए, खड़े हो जाइए। मुझे पता है कि आज मुश्किल है, कल बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी, मुझे इतना विश्वास है अपने कर्मों में और अपने सपनों में। एक बात याद रखिएगा अपने दिमाग के अंदर, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। आपके जीवन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए, जीतने का मींस जीतने का। एक बार क्या हुआ, हिंदुस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर मिस्टर सुकरात के पास उनका एक शिष्य गया और सुकरात से कहता है, सुकरात जी, मैं कामयाबी का मंत्र जानना चाहता हूं, मुझे आज ही कामयाबी का मंत्र बता दीजिए। सुकरात जी ने उस टाइम पे मना कर दिया, कहा अभी तो मैं स्नान कर रहा हूं, आप कल आना। वो नदी में स्नान कर रहे होते हैं सुकरात जी, तो शिष्य कहता है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे लोग टीज करते हैं, परेशान करते हैं, मुझे आज ही कामयाबी का मंत्र चाहिए। तो सुकरात जी ने कहा कि चलिए नदी पे आ जाइए। नदी पे उसको लेकर आए शिष्य को सुकरात जी, उसको पानी में अंदर गहराइयों तक लेकर गए, जहां पे पानी गहरा था उसको वहां पे ले जाकर डुबो दिया। वो छटपटाने लगा, बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसको दबा के रखा। कुछ देर बाद उसको अब बाहर किया, जब लगभग वो आखिरी सांस लेने ही वाला था, जैसे वो बाहर निकला, शिष्य गुस्से से आग बबूला हो गया, सुकरात से कहता है, सुकरात जी, मैं तो आपके पास कामयाबी का मंत्र जानने आया हुआ था, आप तो मुझे मार ही देना चाहते थे। तो सुकरात जी ने कहा, पहले ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तो कैसा महसूस कर रहे थे, कौन सी कामयाबी याद आ रही थी, कौन सी वाइफ और बच्चे और कौन सी दुनिया याद आ रही थी। तो शिष्य ने कहा, जब मैं पानी के अंदर था तो ना मुझे कामयाबी याद आ रही थी, ना मुझे दुनिया याद आ रही थी, ना ही मुझे कुछ और दिख रहा था। उस वक्त तो एक तड़प थी, तड़प इस चीज की कि कहीं से दो सांसें मिल जाएं और अपना जीवन बचा लूं। सुकरात जी ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी कामयाबी के लिए इन्हीं सांसों की तरह तड़पना शुरू कर दोगे, कामयाबी बहुत छोटी सी चीज है, झक मार के तुम्हारे कदमों के नीचे पड़ी रहेगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में कामयाब होना है तो तड़प ला लीजिए, ये तड़प ही आपको महान बनाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं अपने सपनों को पाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। हां, मैं काम करूंगा, लड़ूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा, लेकिन जीतूंगा मैं ही, इस विश्वास के साथ काम करना शुरू करिए। एक बात बोलना चाहता हूं कि ठोकरे खाता हूं लेकिन शान से चलता हूं, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, लेकिन अंत में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरव शुक्ला साइनिंग आउट।